What's up guys, this is Vivek and you're watching my YouTube channel Cinema and Photo Like a Pro, and as always I'm doing nothing. So hey guys, अभी वीडियो का अपलोडिंग चल रहा है, मतलब इससे पहले वाला वीडियो का अभी तक एडिट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे रांची के लिए भी निकलना है तो निकलेंगे थोड़ी देर में. और अभी बज रहा है, दो ही बजने वाला है अभी फिलहाल, और मुझे जल्द से जल्द रांची भी पहुँचना है क्योंकि कल से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा और मैं वही चीज़ करूँगा, तभी रांची के लिए निकलते हैं. सो अभी कैमरा बंद करते हैं और आप लोग को डायरेक्ट रांची में मिलते हैं. तो मैं रांची पहुँच गया अपने घर पे, और क्या कहना, इतना धूल मिट्टी उड़ रहा था कि मेरा पूरा हाथ सब में लग गया, मेरा पूरा कपड़ा धूल मिट्टी मिट्टी हो गया होगा, क्या कह सकते हैं हम लोग. और ओह नो, देखा मारे ना तो डस्ट पार्टिकल जो अंदर था वो निकल रहा था, मुंह में घुस गया था. वाह, बहुत ख़राब लग रहा है. और अभी हम नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. सो बाय. सो हे गाइस, मैं नहा धो के तैयार हो गया. तैयार होने के बाद जब मैं अपना सामान चेक कर रहा था तब तो मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज पता चला, और वो ये कि मैं बहुत सारा सामान अपने गुमला में ही छोड़ के आ गया यहाँ पे. अब देखते हैं, देखा जाएगा कैसे उस सामान को लाया जाता है रांची, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट सामान. और ये बाल का देख के समझ ही गए होंगे कि कंघी भी छूटी है मेरा. बात रहता है, मेरा फेवरेट कंघी था वो, आना चाहिए, कैसे करके लाना पड़ेगा उसे. और मिलते हैं, आज मैंने खुद से कुकिंग की है, सो दिखाते हैं आपको. तो राइस बनाया गया था, और आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मेरा कल बहुत ज़्यादा कलर येलो दिख रहा है, वो इस बल्ब के जरिए कारण, ये वाला बल्ब है इसलिए, फिलामेंट वाला बल्ब है इसलिए, वरना ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा येलो दिखे. क्योंकि उस सब रूम में देखिए उसमें ब्लू दिख रहा है, क्योंकि उसमें एलईडी बल्ब है, उसमें फिलामेंट वाला बल्ब है, सीएफएल भी नहीं है, इसलिए काम चला कभी कर रहा है. क्योंकि इसमें एक बल्ब लगाया गया था, वो बिजली ओवर आने के कारण उड़ गया. सो तुरंत के लिए मैंने हम लोगों ने उसे लगाया, और क्या कर सकते हैं. और एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं, मैं ये चिल्ली लेके आया था अपने खाने के लिए, ऐसा आज कुछ नहीं था पकाने के लिए, सो लेके आया था, लेकिन पता फिर उसे रखा हुआ ठंडा हो गया. सो आप लोगों को आज बताएंगे विद कुकिंग का एपिसोड सेकेंड, आज हम बताएंगे कि कैसा चिकन चिल्ली सब मतलब ठंडा हो जाता है तब कैसे गर्म किया जाता है ताकि वो फिर से वैसा ही लगे. तो एग्जाम्पल, आप लोगों को ओवन यूज़ नहीं करना है, माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे लेना है और एक पतीले में आपको पानी भरना है, और उसमें आप इसको डाल दीजिए अच्छा से, ज़्यादा ओवर पानी नहीं डालना है, और इसे डाल दीजिए, और आपको गैस लीक कर देना है. और इसे ढक देना है और इंतजार करना है बस. गर्म होने के बाद आपको निकाल लेना है सिर्फ, और आपका गर्मा गर्म चिकन चिल्ली तैयार हो गया है. एक्चुअली चिकन चिल्ली मैंने नहीं बनाया था, बस उसे ठंडा हो गया तो मैं बस गरम कर रहा था, क्या गरम कर रहा था. तो जाते हैं खाने. सो अभी हम खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं. सो खाने जाते हैं, ओके, उसके बाद बात करते हैं. सो हे गाइस, मेरा खाना पीना हो के एकदम पूरा हो चुका है, और मैं अभी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ. पहले एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा भूख लग रहा था, तो उसी के कारण लो एनर्जी था. और आज आने के दौरान तो इतना धूल मिट्टी अंदर घुसा कि क्या कहना, अच्छा नहीं लग रहा अभी तक. नहाने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश लग रहा है, लेकिन उतना भी नहीं, अभी लगेगा दो तीन दिन यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि गुमला का आदत पड़ जाता है मुझे बहुत जल्दी, क्योंकि वो नेचर के ज़्यादा करीब रहता है ना, तो हम हमेशा वहाँ
आसपास के फॉरेस्ट में जाके हम लोग घूमने जाते हैं। एक्चुअली अच्छा लगता है, हमें नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद लगता है। और एक बात कि आज मेरा फ़ोन गिरा लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि ये वाला कवर लगा हुआ था ये वाला, और मुझे और एक नया चाहिए ये दूसरा वाला कवर, क्योंकि जो ये वाला है रुकिए, जो ये वाला ख़राब हो चुका है, टूट गया। सो हमको उसको नया लेना है। और इस वीडियो को यही जगह एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम लोग अपना परंपरा पूरा करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। सो अभी हम लोग अपना परंपरा पूरा करेंगे। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अपना मार्कर भी हटा देते हैं, मार्कर का इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताया था ना फर्स्ट वीडियो में। तो हम लोग लिखेंगे 6 डे वीडियो, आज बहुत अच्छा से लिखने पा रहा हूँ, वो खड़ा होकर दिख रहा था तो नहीं दिखा नहीं पाता है, तो 6 डे वीडियो लिखे। और इसे हम लोग निकालते हैं और इसे अब हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया 6th वीडियो। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना तो भूले ही नहीं। और आखिर में क्या बोलते हैं, क्रिएट योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम। बूम।